नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार पूरा देश और पूरा विश्व जो है वो कोविड-19 के कहर से जो है लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जीत आपकी और हमारी होगी। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे कई मुद्दे हैं जो आपके और हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और उन पर हमको क्या निर्णय लेना चाहिए। आज उन्हीं में से एक मुद्दा ये भी है कि लगातार जब सारी चीजें खुल गई हैं, मार्केट खुल चुके हैं, बहुत सी चीजें खुल गई हैं, साथ साथ अब बारी जो है वो स्कूलों के खुलने की है। अलग अलग सरकार, केंद्र सरकार है, उसका ये मानना है कि 15 अगस्त के बाद जो है वो स्कूल खोले जाएं, लेकिन राजस्थान और अन्य जो दूसरे स्टेट हैं उनका ये मानना है कि 1 जुलाई से जो है स्कूल खोले जाएं। हम यहाँ पर आज चर्चा इसी विषय पर करने जा रहे हैं कि आखिर स्कूल कब खोलने चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के जीवन का सवाल है और बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं। इसी सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली से TN मनीष, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मनीष जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आलोक भारद्वाज, जो कि शिक्षाविद हैं और समाज सेवी हैं और अभिभावक भी हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इंदु चौधरी, जो कि डिवाइन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की HM है। तो आप तीनों का हार्दिक स्वागत है सिटी लाइव न्यूज पर। सबसे पहले मैं फर्स्ट रिएक्शन जो आप लोगों का लेना चाहूंगा वो यही है। TN मनीष जी, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि स्कूलों को कब खोला जाए, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि स्कूल को कब खुलना चाहिए या अभी और समय लगाना चाहिए? देखिए, दरअसल ये हमारे देश का दुर्भाग्य है दीपक जी। शिक्षा हमारी सरकारों की प्राथमिकता सूची में सिर्फ दिखावे के लिए है। दरअसल ये जो कोरोना काल आया, इस काल में जिस तरह से सरकार ने 2020 खेलते हुए तमाम तरह के प्रावधान किए, इस दौरान सरकार को चाहिए था, जब ये एहसास हो गया था पूरे भूमंडल पे, पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना कोविड जो है अपने पैर पसार रहा था, हमारे यहाँ भी पसारा, हमारे पास बहुत सारा समय था, इस दौरान सरकार को दूरगामी परिणाम को देखते हुए दूरदृष्टि के साथ अपनी एक व्यू रचना बना लेनी थी, जो नहीं बनाई गई। और अब राज्य और केंद्र के बीच में इस संवेदनशील विषय को फुटबॉल बनाया जा रहा है। असल में स्कूल को खोलने की जहां तक बात है तो कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा, ये स्थिति है। और अगर हम कोरोना के साथ जीना सीखने की बात कर रहे हैं तो स्कूल की जहां तक बात है उसमें 3 तरह की कैटेगरी है, क्योंकि बाल सुलभ प्रवृत्ति ये नहीं जानती कि कोरोना किस तरह का संक्रमण है। ऐसी स्थिति में अगर हम स्कूल को खोलेंगे तो ऐसा मुझे लगता है कि हम विस्फोटक के बीच अपने बच्चे, अपने नौनिहाल और अपने कल के भविष्य को रखने जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में केंद्र सरकार को सख्ती से डायरेक्टिव लेना होगा और पूरे मामले में निगाह रखनी होगी, क्योंकि अभी इस समय कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो है वो चल रही है, और जब समाज में 1 से लेकर 100 तक कोरोना फैल रहा है तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों के साथ क्या होने वाला है, इसकी कोई रेमेडी हमारे पास नहीं है। ना हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे, ना हम सैनिटाइजिंग मेंटेन कर पाएंगे। जिस देश के सरकारी स्कूलों में बच्चे, आप और हम पत्रकारिता कर रहे हैं 2-2.5 दशक से, ये देख रहे हैं कि पानी के बीच में, कीचड़ के बीच में, बारिश के बीच में, मच्छर के बीच में बच्चे अगर पढ़ने पर मजबूर है, तो उस देश में कोरोना जैसी बीमारी से सैनिटाइजेशन की उम्मीद करना बेहद बेमानी बात है। दूसरी बात, हमारी शिक्षा पद्धति में अब तक आमूलचूल परिवर्तन करते हुए हमारे शिक्षाविदों को ये करना था कि ऑनलाइन में एक्सपर्ट बनाते अपने पूरे स्टाफ को और बच्चों को भी, समय की मांग को देखते हुए जिस तरह हम लोग अभी जूम की मीटिंग के साथ इस लाइव को अंजाम दे रहे हैं, वैसे ही क्लासेस चलानी होगी। इसमें प्राइवेट और सरकारी को बाइफर्गेट करके भारत और पाकिस्तान नहीं बनाना चाहिए,
जी बिल्कुल, ये कहना था टीएन मनीष जी का, जो कि बता रहे थे कि हमको समय के साथ जो है वो परिवर्तन लाना चाहिए, चाहे स्कूल हो चाहे हम हो, यानी कि सभी को समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा स्कूलों को खोलने का क्या तरीका होना चाहिए। डॉक्टर आलोक जी आप बताएं, क्योंकि आप लगातार स्कूलों से भी जुड़े रहे हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आप शिक्षाविद भी हैं, तो आप अनेक जो अभिभावक है उनसे भी आपका संपर्क रहता है, आपकी क्या सोच है कि स्कूलों को ऐसी महामारी के दौरान कब और किस तरह से खोलना चाहिए? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपका और सिटी लाइव के आपके सभी सहयोगियों का धन्यवाद दूंगा कि आज आपने ऐसे ज्वलंत विषय को उठाया है जिसकी समाज को सही मायने में आवश्यकता है। जी, सबसे बड़ी बात है कि आप जैसा कहा कि इस कोरोना कहर में, जैसा कि अभी मनीष जी ने सब कुछ कहा, वैसे तो आप देखेंगे अगर किसी की भी राय लेंगे तो सब यही कहेंगे कि नहीं सर नहीं खुलना चाहिए, लेकिन कहना और उस लॉजिक को सही जगह पे पहुंचाना वो आज अति आवश्यक है। वो कार्य शायद अब आप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए कि अगर हम एक बात करते हैं, बाकी सब चीजें मनीष जी ने कह दी है, सरकारों के बारे में भी बता दिया, तो एक जिम्मेदार भारत का नागरिक होने के नाते मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो छात्रों की संख्या है, मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ, छात्रों में सब आ जाते हैं, चाहे वो छोटा छात्र हो चाहे बड़ा छात्र हो, हमारे देश में जो छात्रों की संख्या है वो अमेरिका की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा है, अगर आप देखेंगे तो। हम इतना उसके बाद भी आज आप स्थिति देखिए कि सरकारें सिर्फ घोषणाएं कर देती हैं, कोई कहता है 1 जुलाई से खुलेंगे, कोई कहता है 15 अगस्त से खुलेंगे, आखिर क्यों खुलेंगे भाई जी? बच्चे, आपने भी खुद कह दिया कि बच्चे इस भारत का भविष्य है, क्या हम हमारे भविष्य को खुद ही गर्त में डालना चाहते हैं? सैनिटाइजेशन की बात सरकारें कर रही है कि साहब मास्क लगा के जाएं, आप खुद सोच के देखिए, अपने घर में देखिए, मेरे भी बच्चे हैं आपके भी बच्चे हैं, हम सभी के बच्चे होते हैं, क्या बच्चा कहने के बाद में मास्क लगा लेगा? क्या बच्चे जब जाएंगे स्कूलों में और वो ऑटो में भी जाएंगे, अगर रिक्शे में जाएंगे, क्या वो इस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट की डिस्टेंसिंग को कर पाएंगे? नहीं, तो फिर सरकारें ये क्यों करना चाह रही है? सरकारें अगर सही मायने में देखा जाए तो इस नरभक्षी जानवर के नामने सामने इस देश के भविष्य को डालना चाह रही है, अगर ऐसा करना चाह रही है तो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे इस देश में एक चीज देखी गई, देखिए अब मैं राजनीति से ऊपर उठकर आपको एक बात करना चाहूंगा, जब कृषि की बात आती है तो हमारे यहाँ पे इजराइल के उदाहरण दिए जाते थे कि साहब हम इजराइल में गए और ये देख के आए और वो देख के आए। आज इजराइल की स्थिति आप सबको पता है कि उस जैसा देश जिसको कि बहुत ज्यादा समझदार विश्व का देश कहा जाता है, और प्रधानमंत्री वहां के बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ये फैसला किया कि स्कूल खोल लेंगे, आप उसके बाद में क्या हाल हुआ उस इजराइल का सबको पता है। ये सब चीजें मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज उस इजराइल में हजारों बच्चों को क्वारंटाइन करना पड़ गया, आखिर क्यों? तो जब विश्व पूरा कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो इस तरह की बिल्कुल असंभव है। सरकारों को ये चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि अपना निजी स्वार्थ छोड़े। आज आप ये देखिए कि राजस्थान की बात करता हूँ, मैं राजस्थान का निवासी हूँ, मैंने राजस्थान के शिक्षा मंत्री का ट्वीट देखा कि साहब कुछ ब्लॉकों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के जो राजकीय विद्यालय है उनको खोलेंगे जी। तो श्रीमान शिक्षा मंत्री जी, मैं इस माध्यम से एक बात क्या के दीपक जी कहूंगा कि आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसी राजस्थान का सुदूर जिला है बाड़मेर, आप भी जानते हैं उस बाड़मेर को। उस बाड़मेर में एक दूधिया कला एक गांव कहलाता है, दूधिया कला, और छोटा गांव है, अल्पसंख्यक लोग रहते हैं वहां पे। आप देखिए कि पिछली सरकारों में जब ये मर्जर की बात हो रही थी कि विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा, महाविद्यालयों को मर्ज करेंगे, विद्यालयों को माध्यमिक और सेकेंडरी को मर्ज करेंगे, तो करीब 20,000 स्कूल इस क्षेत्र में बंद हुए थे इस राजस्थान में। और उसके बाद ये सरकारें जब आ रही है, ये सब राजनीतिक द्वेष है कि साहब हम स्कूल खोलेंगे, वो स्कूल आज तक नहीं खुला है। 45 के करीब बच्चे, अब देखिए अब मजबूरी, चरवाहों के बच्चे हैं, चरवाहे उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते। आज वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कलम की जगह उन बच्चों के हाथ में छड़ी आ चुकी है, बकरी चरा रहे हैं। क्या चाहेंगे, सरकार क्या कर रही है इस देश का? और कोरोना महामारी की आप जो बात कर रहे हैं, हम 1 से 6 तारीख की बात करते हैं, आप अभी देखिए डाटा सबके पास होता है दीपक जी, डाटा आज इंटरनेट डाटा सबको दे रहा है, लेकिन इसी 1 जून से 6 जून का अगर आप वैश्विक आंकड़ा देखेंगे तो आप देखिए कि हमारे भारत में 22% वृद्धि हुई है कोरोना की संख्या में जो संक्रमण है। अमेरिका में 6% वृद्धि है, वो लोग फिर भी सतर्क रह के देख रहे हैं, और हम क्या चाह रहे हैं, ये खोल दें वो खोल दें? क्या बच्चों को भी अगर आप भविष्य को दांव पे लगा देगी सरकार, क्या होगा? कोई भी पेरेंट्स से आप बात करेंगे, पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता, उनके भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहिए, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब क्योंकि हमारे बीच में प्रिंसिपल और माफ कीजिए एचएम जो है हमारे साथ हैं डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल की, इंदु चौधरी जी, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या सोच है, स्कूल के जो संचालक हैं उनकी क्या सोच है, स्कूल की जो प्रिंसिपल और जो एचएम है उनकी क्या सोच है। इंदु जी आप बताइए कि इस तरह का जो महाकाल महासंक्रमण का जो काल चल रहा है उसमें आप क्या सोचती हैं कि अभी जल्द स्कूल खोलने चाहिए या और समय जो है अभी लगना चाहिए स्कूलों को खोलने के लिए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपका, बहुत बहुत आभार सिटी लाइव का और दीपक जी आपका कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि जो मुद्दा कोई नहीं उठा रहा उस मुद्दे को आप उठा रहे हैं। जैसा कि मनीष जी ने कहा, शुभ जी ने कहा कि एक एजुकेशन सिस्टम को तो फुटबॉल बना के रख दिया है। अभी तक तो गवर्नमेंट ने लेकर एजुकेशन सिस्टम को लेकर कोई ना तो सपोर्ट किया है ना कोई बात की है। रही बात सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम में अगर हम स्कूल को देखकर बात करें प्रैक्टिकली, तो ये हो रहा है कि कौन इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, क्या गवर्नमेंट उस सिस्टम को सपोर्ट करने को तैयार है, क्या वो पेरेंट्स और जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट है उस सिस्टम के लिए तैयार है। जैसे कि हम चाइना के स्कूल्स रीओपन हुए उन्हें देख रहे हैं, ताइवान का हमने सुना कि बहुत अच्छी वो मैनेजिंग कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पे केस आ गए, तो क्या हम उस लायक हैं कि उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाए? क्या हमारे यहाँ पे सैनिटाइजेशन सेंटर हो पाएगा? क्या हमारे बच्चे प्रॉपर मास्क में आएंगे? क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी जहाँ पे रेशियो इतनी आती है? इंदू जी, आप स्कूल चलाती है, मैं बीच में आपको रोक कर ये कहना चाहूंगा कि आप क्या इस बात को मानती है कि ये चल रही है सैनिटाइजेशन से कोरोना रुक जाता है? हम बच्चा, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, हम इस चीज को ले देखिये। सबसे बड़ी बात है, मैं आप नहीं, अधिकांश जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ निजी विद्यालय जो चल रहे हैं, सरकारों से सारे निजी विद्यालयों की जो मिली भगत है, एक एक एग्जाम है। सुन लीजिए, हाँ जी, मैं इस बात से एग्री कर रही हूँ और मैं मान रही हूँ कि कोई मास्क से इससे नहीं रुकेगा। मैं और भी आगे चीजें बता रही हूँ, आप पहले सुनिए। अगर हम कन्वेंस की बात करें, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, अगर हम टीचिंग की बात करें, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट किस बेस पर आकर ये बोलना चाह रही है कि स्कूल खोल दिए जाएं, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो किसी ना किसी कॉन्टेक्ट में कहीं ना कहीं कैरियर बनकर आएंगे ही आएंगे, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि टीचर्स के पास अगर स्कूल स्टार्ट होता है तो पहले ही अकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है और पेरेंट्स का उसके बाद में ये हो जाता है कि जो है वो टीचर ही है सब कुछ, तो ना तो सिस्टम इतना तैयार है ना मैनेजमेंट इतने तैयार है, तो हम अपने बच्चों की बलि चढ़ाकर उस पे ये नहीं। इंदु जी, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर ये भी है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी कर दिए कि भाई स्कूल खुलने हैं जल्द, उसके बाद जब स्कूल के दीवार के अंदर जब बच्चा प्रवेश कर जाता है, उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होती है। क्या स्कूल प्रशासन इस बात की गारंटी देता है कि वो बच्चे को क्वारंटाइन में रखेगा या उसको संक्रमित नहीं होने देगा? इस बात नहीं की दीपक जी, इसकी गारंटी तो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे पा रहा, तो स्कूल को तो कोई किसी का सपोर्ट नहीं। दीपक जी, मेरा भी एक सवाल रहेगा इंदु जी से, एक विद्यालय के संचालक होने के नाते। इंदु जी मैडम, मेरा एक सवाल है, एक अभिभावक के नाते मेरा एक सवाल है और एक समाज सेवी के नाते भी मेरा एक सवाल है कि स्कूल जो खुलते हैं, चाहे कोई सा भी निजी विद्यालय हो, विद्यालय कहलाते कि हम देश का भविष्य तैयार करेंगे, अब ऐसी स्थिति में, और समाज से भी आप जुड़ने की बात करते हैं कि समाज सेवी भी स्कूल वाले ज्यादातर आप शैक्षिक लोग, 3 महीने तक जब ये स्कूल बंद रहे, और आप सबको बताइए आर्थिक अव्यवस्था का ये आलम है कि लोगों के पास में रोजगारों की भी मार पड़ गई, तो क्या स्कूल आगे बढ़ के कोई स्कूल ये पढ़ लेगा कि वो 3 महीने की फीस माफ करेंगे? उन बच्चों की क्यों फीस मांग रहे हैं घर बैठे हुए लोगों की? अधिकांश निजी विद्यालय प्रेशर दे रहे हैं, मोबाइल से मैसेज भेज रहे हैं अभिभावकों को परेशान। हर अभिभावक आलोक भारद्वाज की तरह सतर्क और जागरूक आवाज उठाने वाला नहीं होता है। उस अभिभावक का दिल टूटे, वैसे भी परेशान है, मानसिक व्यथा है, अर्थव्यवस्था खराब है। आप सिर्फ एक साइड देख रहे हैं, आप सिर्फ एक साइड देख रहे हैं, आपने सिर्फ पेरेंट्स का साइड देखा, आपने उस स्टाफ का, एम्प्लॉयज का साइड नहीं देखा है जिनको सैलरीज ही नहीं पे की गई है, जिनको गवर्नमेंट ऑर्डर्स के बाद में भी स्कूल से निकाला जा रहा है, वो भी तो एक पार्ट है सोशल का, सोसाइटी का, आपने उनको देखा है कि उनकी क्या हालत है? सिर्फ पेरेंट्स और हम सब समाज का हिस्सा है, एजुकेशन सिस्टम है तो बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है समाज की। जब आप ये चाह रहे हैं स्कूल नहीं खुले, आप स्कूल खोलना चाहते हैं नहीं खोलना चाहते, आज का विषय जो है उस पर बात करें कि आपके, आपको क्या लगता है कि स्कूल की संचालक होने के नाते कि अभी स्कूल खुलने चाहिए या स्कूल खुलने में अभी और समय लेना चाहिए? स्कूल खुलने में और समय लगना चाहिए, क्योंकि हम उस सिस्टम के लिए अभी तक तैयार नहीं है कि हम अपने बच्चों की बलि चढ़ाकर ये बोले कि हम कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। हमें अपने बच्चों के साथ रहना है, तभी आगे हम सर्वाइव कर पाएंगे और हमारे बच्चों की फ्यूचर जो है वो बचा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे समाज को स्वस्थ रख पाएंगे। निश्चित तौर पर अगर हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो ये देश स्वस्थ रहेगा, और ये देश स्वस्थ रहेगा तो हम सब जो है वो सफलता की सीढ़ी को बेहतर तरीके से चढ़ पाएंगे। टीएन मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कई स्टेट में आप घूमते रहते हैं, आपके संपर्क हैं सारी जगह, अलग अलग जगहों पर जो ये वैचारिक मतभेद हो रहा है सरकारों के बीच में, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मैं अभी रमेश पोखरियाल जी जो HRD मिनिस्टर हैं केंद्र के,
उनका एक स्टेटमेंट देख रहा था, उनका एक मानना था कि 15 अगस्त के बाद जो है वो स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, तो अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह चुडासरा जी, उन्होंने 50 शिक्षक संगठनों से बात की थी और उनका ये कहना था कि 1 जुलाई से राजस्थान में सारे स्कूलों को खोला जाएगा और 26 और 27 जून तक जितने भी जो टीचर्स हैं वो वहां आकर रिपोर्ट करें। क्या आपको लगता है कि ये जल्दबाजी नहीं होगी 1 जुलाई से खोलने के लिए? देखिए, जहां तक 1 जुलाई से खोलने की बात है तो मैं आपको बताऊं कि मैंने भी लगातार इस पर बहुत बारीकी से निगाह रखी है। स्थिति यह है कि बिहार की सरकार जो है वो भी चाह रही है कि खोले। हरियाणा की सरकार ने एक नया तर्क दिया है, वहां के जो गुर्जर है शिक्षा मंत्री, उनका ये कहना है कि हम इसको अलग अलग शिफ्ट में ऑड इवन की तर्ज पर खोलेंगे, अलग अलग शिफ्ट में खोलेंगे, अलग अलग क्लास वाइज खोलेंगे और उसमें हम एक दिन का गैप देंगे, इस तरह से कुछ वो व्यूहरचना कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी, राज्य सरकारों की क्या जल्दबाजी है? उनकी फीस नहीं आ रही है क्या? क्यों स्कूल खोलने की जल्दबाजी कर रहे हैं वो लोग? दरअसल ये पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकारों के पास में जो जन सरोकार है, वो जन सरोकार कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया के दबाव में है इस समय। और बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, बहुत बड़ा शिक्षा माफिया का बहुत बड़ा एक कॉकस, एक गिरोह है और उस गिरोह के आधार पर हमारी CBSE से लेकर के तमाम तरह की नीति और रीति जो है वो तैयार होती है। आज NCERT का आप कोई सा भी पाठ्यक्रम उठा के देख लीजिए, हम मैकाले की शिक्षा नीति पर चल रहे हैं, हमने सिर्फ तोता रटंत बनाया है, हम व्यवहारिक शिक्षा पे नहीं आ रहे। इतने बड़े कोरोना महासंक्रमण काल में यदि सरकार सरोकार से जुड़ती, हमारे शिक्षाविद अपने नैतिक दायित्व को निभाते तो सरकार के साथ तालमेल करते और इन 60 दिनों के लॉकडाउन में अनलॉक होने के पहले एक नतीजे पर पहुंचते कि हम स्कूलों में बड़ी क्लास को इस तरह खोलेंगे, हम इनके प्रैक्टिकल इस तरह करेंगे, थ्योरी हम इस तरह करेंगे, 30-40% हम इनका सिलेबस कम करेंगे और उस कम सिलेबस में भी हम एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में हम समाज के हर अंग को लेंगे और उसके बाद एक राय होकर के सार्वजनिक सर्वे के बाद एक नए स्वरूप में हिंदुस्तान की शिक्षा आएगी। बहुत दिनों से हिंदुस्तान की शिक्षा में कई तरह के कलंक है, उन कलंक अगर ये होगा तो फिर वो शिक्षा माफिया ही खत्म हो जाएगा। आलोक जी आप बताइए कि जो केंद्र और राज्य सरकार हैं, इनमें जो आपसी मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, उसके पीछे क्या कारण मान सकते हैं आप? देखिए साहब, दीपक जी, जैसा मनीष जी ने बिल्कुल कहा कि हर जगह सबसे बड़ी बात है, एक ही शब्द जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि माफिया। अब है ना, ये बात है कि हर जगह चाहे शिक्षा हो और भी नीतियां हो, सब जगह जब तक इस माफिया को खत्म नहीं किया जाएगा अभी तक। अब आप बात करते हैं हर जगह, कम से कम सरकारों को ये सोचना चाहिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अगर हम बचेंगे तब आगे का मजमा लगा पाएंगे। आप ये सोचकर चलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास का पन्ना बनने से भी वंचित रह जाए। ये कोरोना का कहर इस तरह का है, उसमें भी नेता लोग जो भी हैं वो चाह के अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप राजस्थान में ही देखिए, आपको सब पता है, छोटे छोटे गांवों में अगर आप जाके देखेंगे दीपक जी, तो क्वारंटाइन सेंटर क्या है, उन राजकीय विद्यालय के परिसर को क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है। ये आप सहमत है? अब आप एक बात बता दें, क्वारंटाइन सेंटर है, वहां पे संक्रमित भी मिले हैं, वहां पे बीमार भी इस तरह के मिले हैं, उन्हीं क्वारंटाइन है। अब उन क्वारंटाइन सेंटरों में आप 10 दिन बाद में स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, उनमें बच्चों को भेजेंगे, बच्चा जाएगा, अभिभावक भी आएंगे, उससे क्या स्थिति होगी? क्या चाहती है सरकारें क्या ये चाहती है? और बाद में हम लोग करते हैं कि साहब इटली में ये हुआ वो हुआ, बातें करने से कुछ नहीं होगा। अब सरकारों को सोचना होगा, अगर भारत का भविष्य बचाना है तो कम से कम निजी स्वार्थों को लॉकडाउन करना होगा। नेताओं को, कोई भी राजनेता है चाहे वो बड़ा हो या नेता रह जाए, अपने निजी स्वार्थों को लॉकडाउन करें। निजी स्कूलों के संचालक भी अपने निजी स्वार्थों को कुछ समय के लिए लॉकडाउन करें, समाप्त तो नहीं करना चाहते, मत कीजिए, तभी आप देश के भविष्य को बचाएंगे, तभी आप आगे का मजमा लगा पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर इंदु जी, मैं एक सवाल आपसे, मेरा यहाँ पर ये है कि जिस तरह से पूरे राज्य की बात करें या हम देश की बात करें, जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि अभी TN मनीष जी भी बता रहे थे, आलोक जी बता रहे थे कि एक माफिया का जो वो है वो कब्जा काफी देखा गया है, या ऐसा देखने में आता है कि एक बड़े माफिया का हाथ जो है वो शिक्षा पद्धति के ऊपर कहीं ना कहीं नजर आता है। क्या आपको लगता है? एक लाइन कहूंगा बीच में, इंदु जी से पहले एक लाइन कहूंगा दीपक जी, उनके काम आएगी। आप जो बात कही ना शिक्षा माफिया, आप ये देखिए, जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, जितने भी बड़े निजी विद्यालय हैं,
एक भी विद्यालय आप मुझे बता दीजिए, मैं बड़ों की सबकी बात नहीं कर रहा, मैं इसमें नहीं है कि इंदू जी का विद्यालय हो सकता है शिक्षाविद, अधिकांश जो निजी विद्यालय है वो व्यापार के माध्यम है, शिक्षाविद उनका कोई भी, उनका जो चलाने वाला है या उनका मालिक कोई शिक्षाविद नहीं है। खोलने के लिए इतना पैसा चाहिए कहां से लाएगा, जो शिक्षाविद है समाज सेवी उसके पास पैसा नहीं है, स्थितियां ये हो गई है कि वो एक तरह से व्यापार का, हर गली में स्कूल खुलते जा रहे हैं, ऐड दिए जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ ये है कि लाइए फीस के रूप में लोगों को, ये उससे लाभ वो नहर बन के जाने पैसा कहां जा रहा है उस माफिया के थ्रू, वो सबसे बड़ी बात है। मेरा सवाल यहाँ पर यही इंदु जी से है कि इंदु जी आप हमें बताएं कि जो शिक्षा का व्यावसायीकरण हो रहा है, जो शिक्षा में राजनीति का जो संक्रमण लगातार फैल रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद शिक्षित हैं, आप एक स्कूल में सैकड़ों दर्जनों बच्चों को आप ज्ञान दे रही हैं और लगातार अलग से भी उनको शिक्षा देती रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति का जो संक्रमण है या फिर जो माफिया का जो संक्रमण है वो शिक्षा में किस तरह से नजर आ रहा है? देखिए दीपक जी, हम सभी को एक ही एंगल से नहीं देख सकते कि हम कहेंगे कि माफिया है तो आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, ऐसे नहीं, सभी के लिए नहीं करें, काफी जगह तक जी अधिकांश वो इमेज बना दी, एक इमेज बना दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि सभी एक कहते हैं ना कि एक इमेज बन गई है कि हाँ शिक्षा है तो ऐसा है, स्कूल है तो ऐसा, एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग, देखते हैं इनके पेरेंट्स को कैसे देखते हैं, राजनीतिकरण जहाँ हो रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए, पर हर स्कूल जब भी मैं देखती हूँ, कई स्कूल्स में भी काम किया है, मैं सच में देखती हूँ कि मतलब एक हमारे लिए जो बच्चे होते हैं ना वो एक इमोशंस की तरह एक भगवान का रूप हो जाते हैं, अगर वो एक बच्चा जब आता है पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हमारी बात नहीं मान रहा है वो आपकी बात मानता है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और किसी का ये कहना कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है तो जहाँ होता है वहाँ गलत है, नहीं होना चाहिए कि वास्तव में हम शिक्षा क्यों दे रहे हैं। आप इस बात के लिए आपका धन्यवाद कि कम से कम आपने ये तो कहा कि जहाँ हो रहा है वो गलत है, उसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने ये तो कहा कि जहाँ हो रहा है वो गलत है। आप अजमेर का उदाहरण देखिए ना दीपक जी, सबको पता है इतने बड़े स्कूल है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ इंदु जी आप अपनी बात रखिए। मैं यही कह रही हूँ कि जहाँ हमारे बच्चे हैं, जहाँ भविष्य है, अगर कोई उनसे खिलवाड़ करता है तो बहुत ही गलत है, उनसे ये करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई इस तरह का, और एक जो एक अध्यापक की इमेज बना दी गई है ना कि ऐसा है कि एक वो कहते हैं ना कि मतलब ये बहुत एक, चाहे आपके चैनल के माध्यम से, कि इतनी खराब इमेज कर दी गई है स्कूल्स की, शिक्षा की, वो भी तो कहीं इंसान है, वो भी तो एक समाज का हिस्सा है, उनको भी तो कहीं ऐसा सपोर्ट मिलने की। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस इमेज के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, क्योंकि जब धुआं उठता है तभी तो आग लगती है ना कहीं कहीं। सब जगह बहुत सारे रीजन आते हैं, सब जगह ही कहते हैं ना कि प्योरिटी तो कहीं भी नहीं है, अगर आता है तो उसे कंट्रोल करना चाहिए, चाहे सरकारी नियमों से, चाहे एडवाइजरी से, जो हो सकता है हमें वो सही कदम उठाने ही चाहिए, उसमें कोई राय नहीं है। लेकिन शिक्षा एक इंदु जी ऐसा माध्यम है जिससे कि आप देश का भविष्य तैयार करते हैं, और जो नींव स्कूल से डलती है वो जीवन पर्यंत आपके साथ में चलती है, आपके जीवन से जुड़ी रहती है। आज हमने जो बचपन में सीखा था, आपने जो बचपन में सीखा था, हमारे जो साथी हैं उन्होंने जो बचपन में जो स्कूल की नींव डली थी वो आज भी हमारे दिल और दिमाग में बैठी हुई है। तो आखिर क्या कारण है कि स्कूलों की ऐसी छवि बन गई है? इंदु जी मैं आपसे बार बार यही बोल रही हूँ, अगर ये छवि बन रही है और उसमें किसी की गलती है तो उसे अपने कदम पीछे लेने चाहिए, और जो आप अच्छा कर सकते हैं तो उसके लिए, समाज के लिए हमें जो सुधार करना चाहिए, जहाँ नियमों में कहीं सुधार करना चाहिए तो वो करने ही चाहिए। जी टीएन मनीष जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ये जो इंदु जी की बात है, दरअसल क्या है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है जी, वो सभी जगह, वो राजनीति में भी है, वो समाज में भी है, वो व्यवसायीकरण की मतलब पूरा समाज तरफ नहीं है। 1000 उदाहरण मैं दे सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि निजी स्कूल ये क्यों कहते हैं कि ड्रेस फला स्कूल से दुकान से लेनी है, वो ये क्यों कहते हैं कि हमारी किताबें यहीं से लेनी है, क्योंकि ये व्यवसायीकरण है ना। सर मास्क तक के लिए आ गया दीपक जी, अभी सोशल संवाद मीडिया पे ही चला था, एक स्कूल ने 400 रुपए का मास्क तक बनाया है, सोशल मीडिया पे खूब चल रहे हैं, ये चीज मैंने भी देखी है और ये बिल्कुल गलत है। अगर ये मास्क का भी व्यवसायीकरण करके बच्चों को क्या दे रहे हैं? आपके पास आऊंगा इस विषय पे, आपके पास आऊंगा, रुकिए टीएन जी आप बोलिए। तो इस विषय पे क्या है कि ये इतना लंबा विषय है, लगातार हम लोग क्योंकि कई बार प्रकरण उठाते रहे हैं। दूसरी एक बात और है कि सरकार की तरफ से जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे के बच्चे हैं, उन बच्चों को लाभार्थी के रूप में निजी स्कूलों को भर्ती कराना चाहिए, लेकिन उसमें भी स्कैम निकलते हैं, घोटाले निकलते हैं, इतनी ज्यादा निर्लज्जता है
कि सूचना के अधिकार के तहत अगर आरटीआई लगती है तो कल ही खुल करके सामने आती है कि स्कूल वहां पे केवल माथा देख करके तिलक करते हैं और अपने अपने लेवल पे बड़े स्तर के जो परिवार हैं उनके बच्चों को शामिल किया जाता है, उन सीटों की ब्लैक मार्केटिंग होती है। अरविंद केजरीवाल ने जरूर दिल्ली में इस पर जो है अंकुश लगाने की एक सकारात्मक कोशिश की थी। मनीष सिसोदिया जो वहां के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने अभी एक लेटर केंद्र सरकार के रमेश पोखरियाल निशंक को एचआरडी मिनिस्टर को लिखा, उसमें उन्होंने उस लंबी चिट्ठी में यही हवाले दिए हैं कि अगर आप स्कूल खोलना भी चाहते हैं तो अभी अपनी जो शैक्षणिक जो कैलेंडर है, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में 3 महीने कम करके आप काम करिए। तो ये जो व्यवसायीकरण है आज का मुद्दा हमारा नहीं है दीपक जी, हमारा मुद्दा आज का ये है कि कोरोना काल में हम स्कूल को खोले या नहीं खोले। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर टीएन मनीष जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्कूलों में जो सरकार का खौफ होता है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि अजमेर की बात करें, अभी हाल ही में अजमेर में एक इतना बड़ा जो स्कूल है उसने अपनी पूरक परीक्षाएं वहां पर करवा ली और जब लास्ट मोमेंट में पता चला तब जाकर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। आलोक जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस तरह जो खौफ खत्म हो गया स्कूलों का सरकार के प्रति भी और इस कोरोना संक्रमण के लिए को लेकर भी? देखिए मनीष, जैसा कि मनीष जी ने भी कहा और दीपक जी हम सुबह चल रहे हैं ना, एक ही चर्चा अभी हमने शुरू करी कि वो माफिया। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि स्कूल वाले बेकऑफ होकर काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है हमने उन्होंने जो भी है ना वो माफिया की जो चैनल जुड़े हुए हैं उसमें, चाहे दीपक गोस्वामी कुछ कह दे, आलोक भारद्वाज कुछ कह दे, कहते रहेंगे चलता रहेगा। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था वाला जो शब्द है इसकी अगर सार्थकता पे जब तक बात नहीं होगी ना तब तक ये ऐसे ही चलेंगे। करते हैं, आपने शिकायत कर दी, बंद करा दिया, क्या हुआ? और भी इतने उदाहरण है, कोरोना से पहले भी स्कूलों में कभी कार्रवाई नहीं होती थी दीपक जी। लेकिन ऐसे स्कूलों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह हुई दीपक जी। दीपक जी मैंने ऐसे देखे, मैं दूं राजस्थान में ही बांदीकुई क्षेत्र की, मैं आपको वर्षों पुरानी बात बता रहा हूँ, उस समय में एक स्कूल ठेका लेता था किस बात का कि साहब मैं आपको मैट्रिक पास कराऊंगा। अब आप सोचिए कि मैट्रिक पास कराने का गांव में ठेके लिए जाते थे स्कूलों के द्वारा। इस तरह के केसेस उत्तर प्रदेश में भी बहुत सामने आए हैं, लेकिन वो ये कहने की साहस कोई नहीं करता। अगर कोई साहस करे तो उस पर और कई तरह के दबाव अंकुश लगाए जाते हैं। तो इंदु जी साहस कर रही है इस बारे में, इंदु जी साहस कर रही है स्कूल में होते हुए भी। मैं तो उनको पहले ही उनको साधुवाद दे दिया मैंने इंदु जी को, की उनसे भी कहा कि आज चाहे स्थिति है, अगर आप बता रहे हैं कि कोई स्कूल अगर पूरा परीक्षा ले रहा है और उसके पास कोई ऐसा सर्कुलर या गवर्नमेंट की ओर से कोई है ही नहीं, तो ये गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। समस्या यही तो है इंदु जी, और इसमें आज सबसे बड़ी बात है अभिभावक की भी जिम्मेदारी है दीपक जी। आज सबसे बड़ी बात है दीपक जी, अभिभावक की भी जिम्मेदारी है। एक अभिभावक के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आवाज अगर हम ही नहीं उठाएंगे हम लोग क्या सोचते नहीं बच्चे। एक तो ये चीज बन जाए नहीं साहब, मेरे बच्चे की जो हम परसेंटेज में कंपटीशन की बात करते हैं कि नहीं इसको 20% आ रहा है, इसको 80 आ रहा है, वो जब तक दिमाग से नहीं हटेगा ना तब तक ये स्कूलों की जो राजनीति चल रही है ये तब तक कायम रहेगी। ऐसे इतने उदाहरण मौजूद है दीपक जी इस हिंदुस्तान में कि जो गरीब पढ़ के आज IAS बने हुए हैं, हजारों बार उदाहरण आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको, हम भी इसमें क्या आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इस बात को सारे अभिभावकों को भी सोचना होगा, पेरेंट्स को भी सोचना होगा, इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल आलोक जी, मेरा एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये सवाल है, जैसा कि अभी राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने 50 से ज्यादा शिक्षण संगठन जो बने हुए हैं उनके लोगों से बात की और उनके हिसाब से उन्होंने स्कूल खोलने का जो फरमान है वो जारी कर दिया कि 1 जुलाई से जो है स्कूल खोलने का की तैयारी हो जाएगी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इंदु जी, आप में से मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को शिक्षण संगठनों के शिक्षक के जो संगठन है उनके साथ साथ अभिभावकों से बात नहीं करनी चाहिए क्या? उनके बच्चों ने बहुत बड़ी बात कही, उनको नहीं लगता कि ना जो बच्चों की जिम्मेदारी उनके माता पिता की है उनसे सलाह नहीं लेनी चाहिए थी सरकार को? बिल्कुल, बच्चे का दर्द उसकी मां जितना जानेगी कोई नहीं जानेगा। इंदु जी आप बताइए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सबसे पहले आपको कह रही हूँ पहले गवर्नमेंट सपोर्ट, फिर मैनेजमेंट सपोर्ट, फिर टीचर सपोर्ट, फिर पेरेंट्स, इन सब का इंटरेक्शन बॉन्डिंग चलेगा ना तभी ये सिस्टम इम्प्रूव हो पाएगा। कोई एक तरफा डिसीजन लेगा तो उसके लिए किसी के लिए भी फायदेमंद होने वाला नहीं है, तो डिक्टेटरशिप वाला काम हो जाएगा जी, ये डिक्टेटरशिप वाला काम है। टीएन मनीष जी आपको नहीं लगता कि क्या अभिभावकों से भी सरकारों को सलाह लेनी चाहिए? निश्चित तौर पर, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ उसकी पूरी दुनिया होती है और ऐसी स्थिति में माँ जिस तरह से सलाह दे सकती है वो पिता भी नहीं दे सकता, तो इसमें माओं को आगे लाना चाहिए था पिता के साथ साथ। और पूरी की पूरी इसमें जिलेवार जिस तरह से इस समय कोविड का पूरा मामला चल रहा है, जिस तरह से इसमें ये चल रहा है कि किस
किस जिले में, किस शहर में, कितने जगह, कितनी गलियों में आपने पैक करके रखा है, कहां कहां मरीजों की संख्या किस प्रतिशत, किस अनुपात में जा रही है, और उसमें हमने क्वारंटाइन होम सेंटर किन किन स्कूलों को बनाया है। सबसे पहले तो इन स्कूलों को 2 महीने के लिए पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, उसमें किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था पूरी करनी चाहिए, और दूसरी बिल्डिंगों में अगर हायर एजुकेशन अभी आप शुरू नहीं कर रहे तो आप अगस्त तक अगर करना भी चाहते हैं तो प्रयोग के तौर पर उन भवनों में आप स्कूल को शिफ्ट करें जिन भवनों में अभी किसी भी तरह के इस तरह के संक्रमित प्रवासी मजदूरों को, श्रमिकों को, नागरिकों को नहीं रखा गया है, अन्यथा आप विस्फोटक के ढेर में हमारे कल के भविष्य को खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जब हमारे संविधान की हम बात करते हैं और हम अपने देश के उसकी बात करते हैं आत्मा की लोकतंत्र के, तो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया तंत्र है, लेकिन इसमें 4 लोग वातानुकूलित कमरे में बैठकर अगर पूरे समाज की चिंता करते हैं तो उसमें एक ही बात समझ में आती है कि आदम गोंडवी साहब कह गए कि जो जो दलहोजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसमें बहुत सारे राजनेताओं का पैसा लगा हुआ है, बड़े पैमाने पर बड़ी संस्थाओं में उनकी भी चिंता। मनीष जी भाई साहब, मैं एक बात आपको बीच में टोक कर कहूंगा जी, ये आज हम मनीष जी भाई साहब को मैं एक चीज कहूंगा, दीपक जी मैं मनीष जी का पूरा सम्मान करता हूँ, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इनको वर्षों से जानता हूँ, लेकिन आज हम जिस सामाजिक विषय पर बहस कर रहे हैं और इन्होंने एक बात कही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का नाम लेकर कि उन्होंने अच्छा किया, तो मैं एक बात कहूंगा कि सबसे बड़ी बात है समाना इस कलयुग में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पीड़ा है ना वो यही है कि नेता हो कोई भी अभिनेता हो उस तरफ एक रंगमंच के दौर होते हैं, तो हम किसी को भी श्रेय नहीं दे सकते, हमें सबसे ऊपर उठकर समाज के लिए, हम अगर ये कह दें कि नहीं उसने अच्छा किया और उसने गलत किया, सत्यता तो ये है कि कोई सा भी नहीं है, और फिर स्थिति वही हो जाएगी कि तूने चाहा ही नहीं वरना अंदाज बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते थे, वही स्थिति आने के लिए, तो इसलिए हमें किसी की भी तारीफ नहीं करनी है, सत्यता ये समाज की आवाज आप निष्पक्ष होकर उठाइए और अपने आप को ही जागरूक बनाइए, आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट आज ये नहीं है। मैंने कोई आपका पूरी तरह समर्थन नहीं किया था, मेरा मैंने ये नहीं कहा था, मेरा जो पेश करने का अंदाज था वो ये था कि आज पूरे कुएं में जब भांग डाली हो सब लोग जहाँ नशे में है अगर वहाँ एक छोटी सी किरण उम्मीद की कोई दिखाता है तो उसका इतना सम्मान बनता है। बिल्कुल स्वीकार करें, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ, बिल्कुल मैं मेरा एक सवाल और मेरे दिमाग में ये आ रहा है अभी अभी, जो मैं इंदु जी से शुरुआत करूंगा फिर टीएनजी और आलोक जी आपसे भी मेरा वही सवाल रहेगा कि लगातार जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है जो स्कूल को खोलने की बात कर रही है, यानी छोटे बच्चों के जो स्कूल है उनको खोलने की बात कर रही है, कॉलेज को खोलने की बात नहीं कर रही है, तो क्या कॉलेज के जो यूथ हैं उनके ऊपर संक्रमण ज्यादा लगता है, उनकी कॉलेज तो खोल नहीं रहे लेकिन छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं, ये WHO का और डॉक्टरों का सभी का मानना है कि छोटे बच्चों में संक्रमण ज्यादा फैलता है और जल्दी लगता है, तो क्या कॉलेज खोलने से पहले स्कूल खोलने जरूरी है? इंदु जी बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ कि स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए, जो छोटे बच्चों के, बड़े हों या छोटे हों, इम्यूनिटी की गारंटी किसकी है कि किसकी क्या इम्यूनिटी अच्छी है, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे कॉलेज वाले हों, चाहे बच्चे हों, और किसी का भी बच्चा है वो छोटा है या बड़ा है उसका तो एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं जिसके लिए भी वो बहुत प्रीशियस है, तो बच्चों को तो हम बलिदान देके इस एक्सपेरिमेंट को ले ही नहीं सकते हैं। और कॉलेज और स्कूल का जो कंपैरिजन आप बोल रहे हैं, तो स्कूल को लेके पता नहीं क्यों एक वो है कि शायद बच्चे कहीं एजुकेशन से दूर रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, इसमें ये कि हम लोगों ने जैसे ई लर्निंग क्लासेस का भी किया, ऑनलाइन का भी किया, बड़े बच्चे थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं, छोटे बच्चों को थोड़ा ज्यादा जरूरत होती है, पर ये स्टेप गलत है, उनका क्या मंशा है वो ये ज्यादा बेटर जानते हैं। बाकी ये है कि हाँ, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही कम है किसी को, और जब हम स्कूल में बच्चों को देखते हैं ना तो हमें कई अस्थमैटिक बच्चे भी मिलते हैं कि किसी के एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों का क्या, अगर आप स्कूल स्टार्ट करेंगे तो उन बच्चों को क्या सेपरेट कर देंगे, उनका अलग कर देंगे स्कूल से, नहीं कर सकते, तो हमें इन सभी बच्चों को ध्यान में रखना होगा, सभी बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। टीएन मनीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि कॉलेज नहीं खुल रहे स्कूल खुल रहे? देखिए ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, दीपक जी, एक 8 सूत्रीय अपनी बिंदु पूरी बना करके दिए बिंदुवार, और उसमें उन्होंने इस पॉइंटर में सारे विश्वविद्यालयों को भेज दिया है और ये कहा है कि अगर आप कोरोना संक्रमण काल में भी ये करना चाहते हैं तो आप अगस्त के महीने से करिए। दूसरी बात क्या है कि इनकी जो फीस का स्ट्रक्चर है, इनका जो फीस लेने का तरीका है,
वो सेमेस्टर वाइज चलता है, इनके पास में कई तरह के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी चलते हैं, लेकिन हमारे स्कूलों में फीस का जो स्ट्रक्चर है वो नए शिक्षा सत्र से शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष इसमें हावी हो रहा है और इंसान का जो लालच है उसको कहीं ना कहीं धन पिशाच बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक पक्ष ज्यादा जरूरी है या जीवन ज्यादा जरूरी है जी? जीवन ज्यादा जरूरी है या आर्थिक पक्ष ज्यादा जरूरी है? नहीं, इस समय हम अगर जिंदा रहेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे ना, तो जीवन पहले जा रहा है। बिल्कुल सहमत हूँ, तो समझ कोई नहीं पा रहा है। और इसीलिए कि सबसे मजे की बात यह है कि इसमें राजनीति किसी भी तरह से बुरा नहीं बनना चाह रही। आप देखिए, केंद्र सरकार राज्य के ऊपर डाल रहा है, राज्य सरकार केंद्र के ऊपर डाल रहे हैं, पासिंग द पार्सल बना दिया है हमारे इस निर्णय को। और लेकिन इसमें जो दोनों सरकारों के बीच में, बिल्कुल टीएन मनीष जी, जो दोनों सरकारों के, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारों के बीच में जो सैंडविच बन रहे हैं वो तो हमारे बच्चे बन रहे हैं। आलोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दीपक जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिस तो बच्चे ही रहे हैं, और बच्चे पिस रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप भी पिस रहे हैं। बेचारे चुप रहते हैं, डरते हैं या सीधे हैं, सज्जन है। आज सबसे बड़ी बात है कि हम ये बात कर रहे हैं कि जुलाई में खुलेंगे, अगस्त में खुलेंगे, ये कोई अवधारणा नहीं होनी चाहिए। जब तक ये सरकारें क्यों नहीं तय कर लेती कि कोरोना का टीका नहीं बन जाएगा जब तक विद्यालय नहीं खुलेंगे जी हाँ। और किसी भी माँ बाप के दिल से पूछिए, कोई अपने बच्चे की बलि देना नहीं चाहता। उसका बच्चा अगर मैट्रिक एक साल बाद पास कर लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 साल का बच्चा मैं तो एक चीज कह रहा हूँ कि अगर बच्चा 16 साल की बजाय 17 साल में मैट्रिक पास कर लेगा तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता दीपक जी। और आज सबसे बड़ी बात है कि जब आपने ये कह दिया कि जब हम आगे बढ़ा देंगे, छठी वाले को सातवीं में कर देंगे, सातवीं वाले को आठवीं में कर देंगे, तो कम से कम इस बात का ये क्यों नहीं सोचा जा रहा कि आप एक साल को मत देखिए, जीवन के आगे के 20 साल देखिए उस बच्चे के। कहीं आप कुछ छोटा सा सिर्फ एक स्वार्थ के वश में आकर, कुछ पैसों की राजनीति में आकर ये लोग, ऐसा नहीं होगी। बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूँ, ये शब्द कहना नहीं चाहिए कि नरभक्षी जानवर के आगे क्यों बच्चों की बलि चढ़ाने पे चुड़ी हुई है सरकारें। और इस तरह के माफियाओं से अब तो पार पाइए, और सब जब आप बचेंगे तभी तो मजमा लगा पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास का पन्ना बनने से भी वंचित रह जाओ और फिर ये सब चीजें चली जाएंगी, तब याद आएगी आज की ये सिटी लाइव की डिबेट की कहा था लेकिन नहीं समझ पा रहे थे। दीपक जी, आपने विषय उठाया, इस विषय को शिक्षा मंत्रियों तक भी पहुंचाइए। बिल्कुल, हमारी आवाज हम पहुंचाइए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन तक जरूर पहुंचाएंगे। इसीलिए हमने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इंदु जी, आप क्या कहना चाह रही थी बताएं? अशोक जी की बात सुनकर मैं कहना चाह रही थी कुछ एक पेरेंट्स, इंदु जी मेरा नाम डॉक्टर आलोक भारद्वाज है, मैं पीछे हूं। सॉरी जी जी, कोई नहीं, आप बहन है। डॉक्टर आलोक, मैं कहना चाह रही थी कि कुछ एक पेरेंट्स मेरे अभी भी मुझे कॉल करके बोलते हैं, चाहे स्कूल खुल जाए या ना खुले, हम अपने बच्चों को चाहे एक साल स्कूल ना भेजना पड़े तो हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा सुरक्षित। मैडम, मेरी आज एक बात हुई, एक पेरेंट है, प्रोफेसर है जम्मू में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में। एक सेकंड, एक लाइन आपके पक्ष में ही कह रहा है, जो आप कह रहे हैं उसी से जोड़ के, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जम्मू कश्मीर में, एक जयपुर के ही बोलीवासी है, डॉक्टर योगेंद्र दीक्षित, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर है, मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। मैंने उनसे कहा कि आज इस विषय पर मुझे डिबेट में जाना है, तो उन्होंने एक बात कही, एक प्रोफेसर होने के बाद भी उस व्यक्ति ने कहा कि साहब स्पष्ट कह देना कि मेरे भी बच्चे छोटे हैं, हम प्रोफेसर उनके, मैं सब कुछ पढ़ाता भी हूं। नहीं चाहते वो प्रोफेसर लोग भी कि जब तक स्कूल जुड़े, वो खुद अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते, वो भी शिक्षाविदों की। मैं आपको शिक्षाविद की व्यथा बता रहा हूँ, हजारों लोगों से बात हुई है इस बारे में, कोई नहीं चाहता, जबकि हो सकता है नहीं बोल पाए, दबाव में भेजने लग जाए, क्योंकि जब क्या होगा दो के जा रहे हैं। और आप एक चीज बताइए दीपक जी, मैं तो एक चीज पूछूंगा, जितने भी चाहे शिक्षा मंत्री हैं, खुद का बच्चा नहीं जा रहा होगा स्कूल में, पोता जा रहा होगा और भाई का बच्चा जा रहा होगा, क्या कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी सेंट्रल का हो या प्रदेश का हो, क्या अपने बच्चे को स्कूल खुलने के बाद स्कूल भेजेगा जी? ये भी आप ये प्रश्न दीपक जी पूछिए, क्या कोई भी नेता अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसे भेज पाएगा क्या? नहीं भेजेगा, नहीं। इंदु जी आप कुछ कह रहे हैं, आप मानते हैं ना इस बात को, नहीं आ पाएगा, बस उस मेरा इसका मतलब सब कुछ साफ है। मैं यही बोल रही हूँ कि जब हमारे स्कूल अगर खोलने का कुछ दबाव ऐसा बन भी जाता है, तो जो बच्चों की परसेंटेज है स्कूल में अटेंडेंस की, बहुत कम रहने वाली है और रहेगी भी। अगर मेरा बच्चा है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं नहीं भेजूंगी। ये खुद स्कूल की डायरेक्टर कह रही है कि नहीं भेजेंगी। बिल्कुल, अगर आप अपने बच्चे को रिस्क पे लेके, मैं स्कूल को चलाऊंगी या घर को चलाऊंगी या बच्चे को देखूंगी। निश्चित तौर पर आपकी डिबेट का अर्थ निकल के आ गया।
बिल्कुल बिल्कुल हम मेरी डिबेट इसी पक्ष में है, इसी पक्ष में है कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए। बिल्कुल अब देखिए क्योंकि समय भी जो हमारे पास समय की सीमा भी है और चलते चलते मैं फाइनल रिएक्शन जो है आपसे 20-20 सेकंड का लेना चाहूंगा। सबसे पहले टीएन मनीष जी आपका फाइनल रिएक्शन आज की इस डिबेट पर क्या है? देखिए तीन बातें हैं। पहला कि कोरोना ना उम्र देखता है, ना आबो हवा देखता है, ना माहौल देखता है। बहुत गुप्त शत्रु के तरीके से कब प्रवेश करके आपको अंदर ही अंदर खोखला करता है पता नहीं है, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के साथ में जो प्रतिरोधक क्षमता है कमजोर होती है, हालांकि हीलिंग पावर भी होता है, लेकिन उसके नाम पर हम मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। और तीसरी बात यह है कि अभी तक जिस तरह से सरकार के दबाव में आकर के लगातार जो जो लोगों को ये जो सरकारी होम बनाए गए उसमें सारे स्कूल और संस्थाएं ली गई, उन जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस डिबेट का यही जो क्रक्स है, यही इसका जिस्ट और सार है कि हमें सरकार पर चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बात के लिए दबाव एकजुटता के साथ बनाना होगा कि आप हमारे बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि यही कल का नागरिक है, कल के भविष्य है, कल का भारत। बिल्कुल आलोक जी आपका फाइनल रिएक्शन। देखिए दीपक जी, फाइनल में संक्षेप में आपसे यही कहूंगा कि सबको पता है 16 मार्च से पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर रखा है, और जब ये निर्णय आने लगा कि जुलाई में खोलेंगे, अगस्त में खोलेंगे, तो आपको भी पता होगा दीपक जी, सारे अभिभावक, देश में एक अभियान चला जिसमें अभिभावकों ने एक हस्ताक्षर करे हैं, करीब 2.5 लाख अभिभावकों के साइन आज तक हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि स्कूल खुले, जुलाई में स्कूलों को खोलना। सिटी लाइव का भी यही अभियान है कि अभी जब तक कोरोना के जो संक्रमण है वो खत्म नहीं होता तब तक स्कूल नहीं खोले। सबसे बड़ी बात है दीपक जी, जुलाई में स्कूलों का खोलना सरकार का सबसे खराब निर्णय होगा। इस समय जो है पूरी ताकत लगा के हमें वायरस से लड़ना है, भविष्य को बचाएंगे तभी आगे का मजमा लगा पाएंगे। तो स्कूल नहीं खुलने चाहिए, मैं क्या कोई भी छोटे से बड़ा विधेयक कोई समर्थक नहीं है इसका। बिल्कुल मैंने जैसा कहा कि राजनीतिकों को अपने उद्देश्य को लॉकडाउन कर देना चाहिए, स्वार्थ को लॉकडाउन कर दीजिए, अपने आप जवाब आ जाएगा। अपने लॉकडाउन कर देंगे लोग तो जवाब आ जाएगा। इंदू जी आपका फाइनल रिएक्शन क्या है? दीपक जी, इसको लेके मैं यही कहना चाहूंगी कि स्कूल खुलना किसी भी बच्चे के पक्ष में नहीं है अभी, और जब हमारा सिस्टम पूरा तैयार नहीं है, पहली बात गवर्नमेंट उतना सपोर्ट देने को ही तैयार नहीं, अचानक से स्कूल खुलने के नाम पे गवर्नमेंट को याद आए कि स्कूल भी कुछ हैं, और दूसरी बात में इतनी श्योरिटी सिस्टम तैयार करने के बाद में भी कोरोना की कोई श्योरिटी नहीं कि कोई बच्चा कैसे उसको झेल पाएगा या कर पाएगा या पेरेंट्स किससे गुजरेंगे, तो इसको लेके। दूसरा ये है कि ये जरूर मेरे दिमाग में आता है कि दीपक जी, छोटा बच्चा क्वारंटाइन में भी नहीं रह सकता, अकेला बच्चा क्वारंटाइन में भी नहीं रह सकता। बिल्कुल, तो इन्हीं चीजों समझ ही नहीं है, बेचारा क्वारंटाइन भी नहीं रह सकता। अच्छा है कि बच्चा हमारे घर में हमारे सामने खेले, सिलेबस की इतनी ब्रीफिंग कर दी जाए और जितना हो सके जितने बच्चों से हम जुड़ सके, जहाँ पे नहीं है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कहीं ऐसे भी गरीब परिवेश वाले भी लोग हैं जहाँ पे नहीं है डिजिटलाइजेशन नहीं है, पर जितना जुड़ सके हम बच्चों को इस तरह जोड़े रखें कि बच्चे कहीं ना कहीं बिजी रहे, वो डिप्रेस नहीं हो, साइकोलॉजिकली उन पर कोई असर ना हो, और उसके लिए हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को मेंटली पॉजिटिव रख के ट्रेन किया जाए बजाय हम बच्चे को इतना ट्रेन करें। हमारे एजुकेशन में हम बोलते हैं कि लाइफ स्किल्स डेवलप होना बहुत जरूरी है साथ में सिलेबस के, तो क्यों ना ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो घर पे बैठ के बच्चों को संस्कारों के साथ में बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाए। तो इससे ये है कि बच्चे घर रह के भी उससे बढ़ते रहेंगे, कहीं वो पीछे नहीं जाएंगे, और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, और हम सब भी खुश रहेंगे। बिल्कुल, अगर बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा और देश भी सुरक्षित रहेगा। हम राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनसे सिटी लाइव न्यूज के माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहेंगे, और आम जनता की जो बात है, जो शिक्षाविदों की बात है, वो भी सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहेंगे कि अभी हाल में जब तक की कोरोना का जो संक्रमण है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है तब तक स्कूल जो है वो नहीं खोले जाएं। यही एक अभिभावक की भी मांग है, यही एक शिक्षाविद की भी मांग है, यही एक पत्रकार की भी मांग है, और यही स्कूल के एक प्रिंसिपल और एचएम की भी यही मांग है, यानी कि पूरे देश की यही सरकारों से मांग है कि अभी आने वाले दिनों में स्कूलों को नहीं खोला जाए। और हमारे दर्शकों की क्या राय है वो हमें अपने जो फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से हमें अपनी राय दे सकते हैं कि उनको क्या लगता है कि स्कूल अभी खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। इंदु जी आप, आलोक जी आप, और टीएन मनीष जी आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी। आपका भी धन्यवाद।
City Live, a platform to sharing your thoughts.